नमस्कार सभी व्यूवर्स को। हम पढ़ रहे हैं 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है विश्व इतिहास के कुछ विषय। हम जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं उसका नाम है YouTube चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। और पिछले भाग एक में समय की शुरुआत से पिछले भाग एक में हमने जो बात करी थी वो था प्राइमेट मानव की, होमिनाइड की, होमिनिड की। और होमिनिड की दो प्रजातियाँ थी, एक है ऑस्ट्रलोपिथेक्स और दूसरी थी होमो, जो प्रमुखतः थी। वैसे बहुत सारी प्रजातियां थी, बहुत से उपसमूह थे, लेकिन इन दो उपसमूहों की बात हमने में से एक ऑस्ट्रलोपिथेक्स की हम जो बात कर चुके हैं। आज हम आगे जो है इसकी जो प्रजाति है जिसका नाम था होमो, ठीक है। होमिनिड की दो प्रजातियां थी, एक ऑस्ट्रलोपिथेक्स जिसकी बात हम कर चुके हैं और आज करेंगे होमो की बात। इसके अलावा होमो को जो अलग तीन उपसमूहों में बांटा गया जिसका नाम है हैबिलिस, एरेक्टस और सैम्पियस, इसकी बात करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे हम आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इसके संदर्भ में दो मॉडल हैं कौन से, उनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं होमो। होमो जो है किसका उपसमूह है, होमिनिड का, ये जरूर याद रखना है आपने। होमो 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए और होमो लातिनी भाषा, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका भाव है आदमी, आदमी। और आदमी में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही सम्मिलित है, दो नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है। वैज्ञानिकों ने इनकी विशेषता के आधार पर इन्हें तीन प्रजातियों में बांटा है। पहली जो प्रजाति है उसका नाम है होमो हैबिलिस, इन्हें टूल मेकर भी कहा जाता था, टूल मेकर मतलब औजार बनाने वाले। और इनके जो जीवांश मिले हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से मिले हैं, कहां से, इथोपिया और तंजानिया से। जब आप मानचित्र का कार्य करेंगे तब ये जरूरी जानना है कि इनके जीवांश कहां कहां से मिले हैं। दूसरी जो प्रजाति है, दूसरा जो उपसमूह था उसका नाम है होमो एरेक्टस। होमो एरेक्टस इन्हें कहा जाता था अपराइट मैन, मतलब सीधे खड़े होकर चलने वाले व्यक्ति। और ये अफ्रीका और एशिया में जो इनके जीवांश मिले हैं। तीसरी जो प्रजाति है वो है होमो सैम्पियस, इन्हें वाइज और थिंकिंग मैन मतलब चिंतनशील मनुष्य, सबसे समझदार व्यक्ति इनको कहा जाता है। तो अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों ही महाद्वीप में इनके जीवांश हमें मिले हैं। तो होमो का पहला जो उपसमूह जिसको होमो हैबिलिस करेंगे उसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। होमो हैबिलिस, इनके जीवांश हमें इथोपिया में ओमो और तंजानिया में उल्डवेगोर्स से प्राप्त हुए हैं, जो 22 लाख वर्ष पूर्व से 18 लाख वर्ष पूर्व तक के माने जाते हैं। और इनका मस्तिष्क बड़ा था, वह ऑस्ट्रलोपिथेक्स की अपेक्षा अधिक समझदार था, मतलब बड़ा दिमाग तो बड़ा समझदार। वे अपने हाथों का दक्षतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। वे प्रथम होमिनिड थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए, क्योंकि होमिनिड का ही उपसमूह था, तो पहले होमिनिड थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि अब उनका जो हाथ था वो आज़ाद हो चुका था, अब वो चार पाँव के बजाय अब वो दो पाँव के बल पर चलता था, इसलिए उसने हाथों का प्रयोग सर्वप्रथम जो इस्तेमाल किया वो क्या था, पत्थर के औजार बनाने के लिए। जिनका इस्तेमाल वो किसके लिए करता था, शिकार के लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य था उनका वो शिकार करना था, क्योंकि अपने पेट को पालना या भूख को मिटाना वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। और वो कैसे होता था, शिकार करके। शिकार करते समय उन्हें अपने आपसी सहयोग की आवश्यकता हुई, और जिससे शायद भाषा जो संभवतः उसका विकास हुआ। भाषा के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वो चित्र हैं होमो हैबिलिस के। दिमाग बड़ा हो गया किसकी अपेक्षा, जो होमिनिड थे उनकी अपेक्षा थोड़ा सा ऑस्ट्रलोपिथेक्स की अपेक्षा बड़ा था। और इनकी जो सकल सूरत, अगर हम जो है एक हम ये सिर्फ इमेजिनरी जो है वो ये चित्र बनाए गए हैं, तो इस तरह का वो उस समय रहा होगा, पाँव के बलबूते पर वो खड़ चुका था और इस प्रकार का शरीर उसका रहा होगा। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा वो है होमो एरेक्टस। इनके जीवांश हमें कुबीफोरा, पश्चिमी तुर्काना, केन्या और जावा से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं, 18 लाख वर्ष पूर्व। और अफ्रीका में पाए गए जीवांश सबसे अधिक प्राचीन काल के हैं, अतः संभवतः यह यहीं से चलकर अर्थात पूर्वी अफ्रीका से दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका और फिर बाद में कहाँ चले गए, दक्षिणी और पूर्वी एशिया की तरफ, और यहीं से वह संभवतः कहाँ गए, यूरोप में भी गए। तो ये होमो हैबिलिस से अधिक समझदार था और उन्होंने अधिक विकसित औजार भी निर्मित किए। जैसे जैसे हाथों का अधिक इस्तेमाल होने लगा, जो हथियार थे, जो औजार थे, वो भी निर्मित विकसित होने लगे। तो संभवतः जो समय जैसे जैसे बीतता चला गया, वैसे वैसे इनमें जो कुशलता थी, जो निपुणता थी, वो बढ़ती चली गई। और दिमाग का इस्तेमाल जितना जितना ज़्यादा बढ़ता चला गया, दिमाग उतना ही विकसित और समझदार और बड़ा होता चला गया। तो होमो एरेक्टस जो है क्या थे, होमो हैबिलिस से ज़्यादा समझदार थे, ठीक है। ये इनकी विशेषता हुई 18 लाख वर्ष पूर्व। याद रखना इनका समय अवधि को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको इम्तिहान में जो है ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। तो अभी होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ा था, कितना था, 28 से 18 लाख वर्ष पूर्व के। और एरेक्टस की हमने बात करी तो 18 लाख वर्ष पूर्व के जो है वो जीवांश हमें मिले हैं। इन्हें भाषा का अधिक जो है विकास कर लिया था पहले की अपेक्षा। पहले जो भाषा थी वो शायद केवल जो है वो जैसे हाव भाव की भाषा रही होगी, अगर होमो हैबिलिस की बात करें, वो भाव एक तरह से इशारा करना जो है, इस तरह का जो है वो विकास हुआ होगा भाषा का। लेकिन यहाँ पर जो है अगर भाषा की बात करें तो उनको ज़्यादा जो है वो भाषा का विकास हो चुका था, कोई ध्वनियाँ जो है वो करते होंगे, इस तरह का अनुमान लगाया जाता था। और एक और इंपॉर्टेंट है होमो एरेक्टस के बारे में, और क्या था कि वो आग के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त थी, ये इंपॉर्टेंट था। आग से उनके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। देखिए आग के आने से न केवल वो अपने को सुरक्षित कर पाए, बल्कि वो जैसे भोजन है उसको जो है वो पका कर खाने लगे, या उससे
और भी आगे चलकर जो है आग से उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिस प्रकार से बाद में जब स्थायी जीवन व्यतीत उन्हें करने लगे तो आग का उन्हें बहुत सहयोग जो प्राप्त हुआ। इससे उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, और इनका लोप जो है ये लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व जो है वो माना जाता है होमो एरेक्टस का, ठीक है। ये दूसरी प्रजाति, अब तीसरी होमो की तीसरी प्रजाति जिसका नाम था होमो सैपियंस, इसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक जो आज हम हैं वो किसके संतान है, सैपियंस की ही है। इस मानव का प्रादुर्भाव माना जाता है 1,95,000 से 1,60,000 लाख वर्ष पूर्व इसका जो प्रादुर्भाव माना जाता है। और इस मानव के प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के ओमो क्यूबिस इथोपिया में है, और दक्षिणी अफ्रीका के वाडर गुफा, क्लासिस नदी का मुहाना, क्लासिस रिवर माउथ और दी कैल्डर्स, ये वो जगह है जहाँ से इसके जीवाश्म हमें मिले, किसके, होमो सैपियंस के, जिसे आधुनिक मानव जो है कहा जाता है। इसका जो विशेषता क्या है कि इस मानव का जो मस्तिष्क था बाकी जितने भी अब तक जो चाहे हैबिलिस था या रैकेट्स था उनसे बड़ा जो है दिमाग था, अच्छी समझ उनसे रखने वाले समझदार थे। उसने गुफाओं के अतिरिक्त निवास के लिए अब झोंपड़ियाँ बनाना जो है वो शुरू कर दिया था। देखिए झोंपड़ी बनाना क्यों उसका प्रारंभ हुआ, क्योंकि अब उसको अपनी फसल, इसका मतलब कृषि करना उसने आरंभ कर दिया था, और उस कृषि को बचाने के लिए अवस्थाई तौर पर उसका निवास स्थान उस कृषि के पास, उस खेत के पास ही होना चाहिए था, ना कि गुफा जंगल में जाकर होना चाहिए था। तो इस प्रकार से अब उसका जो निवास स्थान था वो बदल गया था, बजाय गुफा के बजाय कहाँ रहने लगा था, स्थाई तौर पर वो झोंपड़ियाँ निर्मित करके जो रहने लगा था। तो ये परिवर्तन था। भोजन का भंडारण करना उसने सीख लिया था कि आने वाले समय के लिए जब शायद उस समय आगे ज़रूरत ज़्यादा पड़े, तो इस तरह से उसने भंडारण करना सीख लिया था। उसके जो हथियार थे वो और भी ज़्यादा उत्तम हो गए थे, और ये मान के माना जाता है कि अब उसने सुई का आविष्कार कर लिया था कि जो खाल जो होती थी जानवरों कि जिसमें रोएदार जो है वो गद्देदार जो है वो बाल होते थे, उनको उनको वो जो है सर्दी से बचने के लिए अपने वस्त्र बनाता था, उनके सीने के लिए सुई का इस्तेमाल जो है उसने कर लिया था। अर्थात ये सारी जो चीज़ें थी इनसे अब वो आधुनिक मानव हो गया था। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो होमो सैपियंस की हैं। तो होमो सैपियंस को जो इस तरह से अनुमानित किया जा सकता है, जो थिंकिंग मैन था वो ऐसा हुआ, ऐसा रहा होगा, तो समझदार मानव जो है वो अब तक का जो है। तो इस तरह से समय क्रमिक विकास की हम बात करें कि क्रम में ही सारे जो है वो विकास हो पाए, तो होमो सैपियंस सबसे विकसित। तो ये अब तक हमने पढ़ा कि मानव ने कहाँ से आरंभ किया था, इस तरह से एक जानवर से उसने शुरू किया था, बंदर से, और फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी पूंछ खत्म हो गई, उसका मुंह था वो थोड़ा सा शेप में आने लगा, फिर वो चलने लगा, चलते हुए उसका जो विकास था हाथों का था, दिमाग का था, बनावट का था, वो बदलता स्वरूप कैसे हो गया, बाद में वो इस तरह से जो है वो हो गया, हैबिलिस का जो है इस तरह से प्रारंभ हुआ, और फिर बाद में जाकर जो है फिर हम पहुंचे जाकर कहाँ, सैपियंस में, जो पीछे हमने पढ़ा। तो प्राइमेट से लेकर शुरू किया हमने, और होमो सैपियंस तक का जो सफर था वो मानव का इस तरह से रहा, एक एक करके अब तक हम दो भाग में इनको पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग अभी चल रहा है। अब अंतिम जो बात करेंगे वो है आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। इस संदर्भ में, इस विषय के बारे में जो दो जो है वो मॉडल जो है वो वैज्ञानिक देते हैं, एक है पहला प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ये दो मॉडल हैं, ये विकास के सिद्धांत है, देखिए करते हैं। पहला जो प्रतिस्थापन मॉडल है जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल, ये क्या कहता है, प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है, इनके अनुसार आधुनिक मानव का जो उद्भव है वो एक ही स्थान अफ्रीका में, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपका, अफ्रीका में ही हुआ, ये बोलते हैं बहुत सारे जो वैज्ञानिक है जो इसको जो है वो स्टडी करने वाले, वो कहते हैं कि अफ्रीका में ही मानव का सबसे पहले उद्भव हुआ। अपने पक्ष में वो तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक और जो जेनेटिक समरूपता पाई जाती है उसका कारण यह था कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात अफ्रीका में ही उत्पन्न हुए थे और यहाँ से ही वो अन्य स्थानों पे गए। और ये भी देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराने जो जीवाश्म मिले वो अफ्रीका में ही मिले हैं, तो संभवतः अफ्रीका में ही इनका जो है उद्भव हुआ, और फिर ये दूसरे जो महाद्वीप थे, एशिया था या यूरोप था, यहाँ ये उसके बाद ही गए, ठीक है। तो ये बोलता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन देखिए क्या है कि आदमी जो है वो लगातार जो हम जैसे कहते हैं क्रमिक विकास लगातार चलता गया और उसका रूप बदलता चला गया, और परिस्थितियां अनुसार फिर यूरोप में कुछ अलग तरह का हो गया, वो एशिया में कुछ अलग तरह हुआ, एक ही तरह जन्म। लेकिन अफ्रीकी लोग जो लोग बड़े लाखों वर्षों के पश्चात यूरोपीय लोग जो स्मार्ट, क्योंकि यूरोप में कैसा था, जो टेम्परेचर था वो कम था, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा था, वहाँ काले हो गए, और इस तरह से वो जो परिवर्तन आया वो बाद में आया। फिर ये इनका कहना है कि जो पर एशिया के लोग हैं वो देखने में अलग हैं, यूरोप के अलग में देखने, अफ्रीका के, लेकिन ये कब, ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो परिवर्तन आए, ये कहता है कौन, प्रतिस्थापन मॉडल। अब आता है दूसरा जो मॉडल, वो है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इनके विचार अनुसार जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में, ये कहता है कि अलग अलग जगह के ऊपर हुई, ठीक है, अलग अलग जगह, एक ही जगह नहीं हुई, अफ्रीका में ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग जगह हुई। और अपने पक्ष में वो तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो भी शारीरिक विभिन्नता, आज का जो मानव है वो अगर हम देखें तो एशिया में आपको अलग तरह का मानव मिलेगा, अफ्रीका में अलग मिलेगा, उनके नए नक्शे अलग होंगे, एशिया के अलग होंगे, यूरोप में अलग होंगे, वो इस वजह से क्योंकि उनका उद्भव जो है उन्हीं जगह के ऊपर हुआ, उन महाद्वीपों में हुआ, इसलिए अलग अलग है। तो इसे कहा जाता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, क्लियर है। तो ये दो तरह के मॉडल जो है वो आदमी के विकास के हैं कि कैसे जो है वो आदमी जो है आधुनिक मानव जो है वो कहाँ पैदा हुआ, इस संदर्भ में ये दो मॉडल थे। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट में हम बात करेंगे कि फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती।
पना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती, पूछ के की नहीं जाती। तो अपने देश के प्रति पूरा ईमानदार रहिए, उसके ऊपर जितना भी हो सके, हम जितना उसके लिए कर सकें इस देश के लिए वो काम। आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।